ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार पर हर रोज देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का एक प्राथमिक स्कूल है। इस जिले की एक पहचान सर्वाधिक दलित और आदिवासी आबादी वाले जिले के रूप में भी है। आप सबको याद होगा कि सोनभद्र के ठीक बगल के जिला मिर्जापुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दिया जाता था, और जब बच्चों को दोपहर के खाने में नमक रोटी खिलाने की बात पत्रकार पवन जायसवाल ने देश और दुनिया के सामने उजागर किया तो उन पर ही योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि वह सच्ची और जनता की पत्रकारिता बंद कर दें, डर जाएं और ऐसी रिपोर्टिंग करना छोड़ दें। पर ऐसा नहीं हुआ। नमक रोटी खाने की रिपोर्टिंग उजागर करने वाले पत्रकार पवन जायसवाल फिर एक बार मैदान में हैं, उसी तेवर और उसी अंदाज में। जय भीम, मैं भीम आर्मी चंदौली का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं एक सोनभद्र जिला में आया हूँ जो कि यूपी से आता है, रावतसगंज, और ब्लॉक है छपका, और उसमें लोढ़ी गाँव पड़ता है, उसमें का प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पर जो कि मैं आया हूँ, वहाँ का समस्या देखते हुए यहाँ पर जो कि हरजन बस्ती नाम से लिखा गया है कि यह हरजन बस्ती है, जो कि यहाँ के लोढ़ी गांव के ग्राम सभा का लिखा जाना चाहिए कि हमारे लोढ़ी ग्राम सभा का ये नाम है, लेकिन यहाँ जातिवादी सूचक सबसे नीचा दिखाने के लिए ये हरजन शब्द लिखा गया है। हम ये चाहते हैं कि इसको, यहाँ के जो शब्द लिखा गया है इसको हटा दिया जाए और यहाँ का ग्राम सभा का नाम लिखा जाए। और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात किए हैं, ताकि ये स्थानीय लोग बता रहे थे कि हमारे ग्राम प्रधान जी लिखवाए हैं। इस पे हम शासन और प्रशासन और सोनभद्र के जिला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। गुहार क्या, हम ये कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी नाम ये बदलवा देना चाहिए, ताकि हमें एक अपमानजनक और एक अपराध के तहत ये नाम लिखवाया गया है, हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जल्द से जल्द बदलवाने की काम किया जाए। यहाँ के सोनभद्र जिला अधिकारी के जो भी हो उनको हम सूचित करना चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आपने भीम आर्मी के कार्यकर्ता का ऐतराज सुना? ऐतराज को गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता है। भीम आर्मी दलितों के मसले पर उत्तर प्रदेश में सक्रिय रेडिकल दलित संगठन है। इस संगठन के मुखिया चंद्रशेखर खुद को चंद्रशेखर आजाद लिखना पसंद करते हैं। हरिजन बस्ती के सरकारी प्राथमिक स्कूल को हरिजन के नाम पर रख देना अधिकारियों की जातिवादी और सामंती मानसिकता को तो दर्शाता ही है, साथ ही यह पहचान भी उजागर करता है कि लोढ़ी प्राथमिक केवल दलित जाति से आने वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, जो कि गैर संवैधानिक है और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाता है। सोनभद्र के लोढ़ी से जंजवार के लिए पवन जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। जंजवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।